तो अब हम आ गए हैं लीलावती लीलावती भवन होटल हॉल, मतलब ये लीलावती खाना खाने की जगह है जहाँ पर ट्रस्ट की जगह से यानी सोमनाथ मंदिर की तरफ से ही खाने का होता है। अब क्या स्थिति है पूरा अंदर का मैं आपको दिखाऊं। आ जाओ अंदर, नहीं नहीं अंदर आ जाओ। जय हो श्री गणेश जी महाराज की सदा सदा। क्या हुआ? बहुत बड़ा हॉल है ये भोजन कक्ष, यहाँ मुझे लग रहा है रुकने का भी है, है ना? अरे यार यहाँ रुक भी सकते थे, कितनी सुंदर जगह है, कितनी सुंदर जगह है, रुक सकते थे अपन। रुकने का भी सीन पूछ के जाना, देखो कोई आएगा अगली बार तो उनको बताना कि लीलावती में रुको। आलू मिक्स कठोर कड़ी खिचड़ी रोटी सांभरो 5 अलग से, बहुत खुशी की बात है दोस्तों। ये लीलावती का नज़ारा देख सकते हैं आप, इडली सांभर 25, पोहा, चाय, सभी प्रकार की चीज़ें, नाश्ता पानी वगैरह इन सबके लिए बहुत बहुत खुशी। क्या नाम सर आपका? जिग्नेश, ठीक है। आपका कैसा कैसा खाना, कैसा है? मस्त 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 है ना? ये अभी शाम का खाना होगा ये। क्या क्या है इसमें? क्या क्या है इसमें? दो सब्जी, खिचड़ी, कड़ी खिचड़ी और ये सब कुछ हो गया इसके अंदर, ठीक है। कितने रुपए की? 70 रुपए की। बहुत 70 रुपए की, क्या मजा आ गया सर। अरे सर आप यहाँ के मैनेजर सर? शुभ नाम आपका? गट्टू सिंह जी पवार। तो ये किसकी तरफ से है, कहाँ से? सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से। अच्छा, सोमनाथ ट्रस्ट चला रहे हैं इसको, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या रुकने की भी व्यवस्था है? रुकने की व्यवस्था है। और खाने का जो सीन है इतनी कम रेट में कैसे, जबकि बाहर 150 भोलेनाथ सब ट्रस्ट की बात करें आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पवार साहब ने बहुत खुशी की जानकारी दी कि यहाँ सब ट्रस्ट की वजह से है, और मैं गदगद हो गया इतनी बड़ी रसोई देख करके, इतना बड़ा यहाँ का ये सब कुछ देखे। बहुत बड़ी सुविधा है, हमें पता नहीं था। हमने सुबह माधव होटल में खाया, अच्छा खाना था हालांकि उनका, पर यहाँ का बताओ तो मैं अवश्य ही यहाँ से खा के जाता। सुबह क्या देते हैं और शाम को क्या देते हैं? सुबह नाश्ते में दो आइटम देते हैं। सुबह नाश्ता जैसे कि ये लिखा हुआ है, इडली पोहा, चाय कॉफी दूध हो गया, ठीक है। लंच में एक आइटम एक्स्ट्रा देते हैं, उसमें फरसान भी देते हैं। लंच में एक आइटम फरसान, मीठी चीज़ है? नहीं फरसान, नमकीन, नमकीन चीज़ है। मेथी का बोटा है, ठीक है, खमन है, ओके, फुलबड़ी है, ये सब कुछ हो गया इस तरह से, ठीक है। और शाम को? शाम को नॉर्मल कड़ी खिचड़ी दो सब्जी होगी, कड़ी खिचड़ी दो, ये हो गया, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है अब ये सब देख करके एक प्लेट खाने का, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा? यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा, ठीक है। 70 रुपये का टोकन देंगे, फिर कहाँ जाना है? वहाँ जा करके थाली ऑलरेडी लगी हुई है, उसको ले और यहाँ पर आके बैठ के खा लो, ठीक है सर। बहुत बढ़िया, ये खुशी की बात है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, अब ये खाना देख करके मैं खाना खाने की तैयारी करता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया मज़ा आ गया यहाँ का सब देखकर। अब करते हैं खाने पर टूट पड़ते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या आनंद आता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बोलिए सोमनाथ बाबा की जय।